क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पर किस किस तरीके से कहाँ कहाँ कैसे कैसे कम ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं होने वाले हैं जहाँ आज इम्पैक्ट कम दिखता है इसका मतलब उसके ऊपर कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है क्योंकि ये आज नहीं दिखता है तो कल दिखेगा तो ये साइकिल है तीन साल अच्छी बारिश हुई तो आने वाले दो तीन साल में साइकिल का चक्र जो घूमता है उसमें बारिश कम होने वाली है बेकार होने वाली है बेटाइम होने वाली है अलग प्रकार से आने वाली है तो जो एरियाज अभी अच्छे सिलसिले में बताए होंगे वो भी आगे प्रभाव में आने वाले हैं जब ये इतनी सारी बातें वर्ल्ड में चल रही है तो हर एक देश तो नेचुरली ये चीज़ को फेस करने की तैयारी कर रहा होगा। नेचुरली अपने अपने कंट्रीज़ में लोग एक्शन प्लान बना रहे होंगे नेचुरली उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के मॉडल्स सॉल्यूशंस, प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर रहे होंगे और यह हर एक कंट्री कर रही है मैं एक चार पाँच महीने पहले लंदन में था तो लंदन में एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरी मुलाकात हुई कि जो पूरे वर्ल्ड के वाटर क्राइसिस के ऊपर काम कर रही है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट गोपीचंद हिंदू उसको लीड कर रहे हैं तो गोपीचंद जी के साथ मेरी एवरी डे मॉर्निंग दो घंटा वॉकिंग में लंदन में मुलाकात होती है जब भी मैं जाता हूँ तो उन्होंने उनकी टीम के साथ मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने सी वगैरह सब लोगों को बोला कि आप मूथाजी को प्रेजेंटेशन दो कि आप क्या कर रहे हो मैंने वो प्रेजेंटेशन उनका देखा सुना समझा देखो हर एक व्यक्ति को सामने वाली कोई भी चीज़ है उसको अंडरस्टैंड करने का और समझने का मौका मिलता है उसने क्या ग्रास करना कैसे ग्रास करना कहाँ से ग्रास करना ये वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है लाइफ में कई बार अपने सामने अपॉर्चुनिटी दस्तक देती है लेकिन हमको समझता ही नहीं कि वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी है तो इस दृष्टि से जब मैंने उस प्रेजेंटेशन को देखा सो so, वो कोई सोशल इनिशिएटिव नहीं था वो फाइनेंशियल इनिशिएटिव था वो फाइनेंशियल चीज़ वाटर को फेस करने के लिए कौन सी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी कौन से इन्फ्रास्ट्रक्चर लगेंगे कौन से चीज़ें लगेंगी उसकी तैयारी करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर कर रही थी अब वो बताते 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 मैंने मेरे लिए क्या समझा कि प्रॉब्लम क्या आने वाले है। ये मैंने अंडरस्टैंड कर लिया जैसे आपने फिल्म में देखा वैसे प्रॉब्लम को समझ के हर एक जगह पर लोग कोई लोग उसको कमर्शियली एक्सप्लॉयड करना चाहेंगे कोई लोग उसको सोशली एनरिचमेंट एं, करना चाहेंगे तो हर एक जगह पर गवर्नमेंट भी अपनी अपनी तरफ से उसके ऊपर बहुत गहराई से सोचती है आपको और हमको ऐसा लगता होगा ये क्या है गवर्नमेंट का सिस्टम है गवर्नमेंट स्कीम बनाते हैं हमको स्कीम करनी है जनरली ऐसा होता है ये क्या है ये जलियुक्त शोर शुरू कर दिया है ठीक है हमको जाना है काम करना है वापिस आना है हो गए काम ऐसा हमको लगता है लेकिन ऐसा नहीं होता है अगर आप ट्रायल करके एक स्टडी केस करके एक खुद को एम्पावर करने के लिए एनलाइट करने के लिए स्टडी करने के लिए आप गवर्नमेंट के कोई भी एक स्कीम के डॉक्यूमेंट को पढ़ो एनी एनी स्कीम हम फील्ड पर रात दिन की मेहनत कर रहे हैं पसीना बा रहे वो पसीने से क्या होने वाला है हम सिर्फ स्कीम आ गई और स्कीम के हिसाब से काम कर रहे हैं हमारा काम हो गया ये सफिशिएंट नहीं है गवर्नमेंट की हर स्कीम में उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही फैंटास्टिक होता है उनकी सोच उनके ऑब्जेक्टिव उनके टारगेट उनकी प्रोसेस उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम उनका आउटकम उसका इम्पैक्ट ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की बहुत अच्छी रहती है वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रहने दो स्टेट गवर्नमेंट रहने दो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहने दो पॉलिटिकल पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है आपको ऐसे दो तीन स्कीम्स के अगर डॉक्यूमेंट आप डिटेल पढ़ेंगे एज ए स्टडी तो आप इनलाइट हो जाएंगे आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ फील्ड में उससे क्या होने वाला है मतलब गवर्नमेंट बहुत गहराई से सोचती है गवर्नमेंट बहुत गहराई से स्कीम बनाती है और गवर्नमेंट बहुत गहराई से बजट एलोकेट करती है मेरी बात को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो इतना बड़ा क्राइस आने वाला है तो क्या आपके और हमारे जैसे लोगों का वो काम नहीं है ये गवर्नमेंट की सोच गवर्नमेंट की ड्यूटी गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस गवर्नमेंट का स्कीम्स गवर्नमेंट के आइडिया ये सब इंपॉर्टेंट माने जाते हैं आप और हम क्या करेंगे और कहाँ तक करेंगे जीरो 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 वन परसेंट पे भी नहीं पहुँचेंगे नॉट पॉसिबल तो ये समझने को मुझे पैंतीस साल लगे आपको आपके जर्नी के दो चार साल के एक्सपीरियंस में ये समझ में आ रहा है सो so, आपको हमारी पस्तीस साल की जर्नी को पाँच दिन में सात दिन में डिकोड करके आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको इतना लंबा जर्नी करना ना पड़े मैं आपको रियली ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या होती है डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं स्ट्रैटेजी क्या होती है वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था काम करते समय मैं लिमिटेड सामने वाली स्कीम देख के काम करता था उसको पढ़ के नहीं करता था ऐसा अंडरस्टैंड करके नहीं करता था लेकिन अभी अभी पिछले कुछ सालों में करने लगा हूँ और जैसे मैं वो पढ़ रहा हूँ मेरी गहराई बढ़ती जा रही है जब ये पानी का संकट काफ़ी बढ़ रहा है पिछले छः महीने से हम लोग इसके ऊपर आगे की रणनीति बना रहे हैं छः आठ महीने से जो आज आप काम करने जा रहे हैं उसका प्लानिंग शुरू है तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के इस चीज को फेस करने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं उसके मूल क्या है उसका डिटेल पार्ट देखने की कोशिश की तो सबसे पहले मेरे समझ में क्या आया मेरे समझ में ये आया कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है पहले पहले दस बार पढ़ने के बाद में समझ में नहीं आता है कि आ, मैं कहाँ जा रहा हूँ अंडरस्टैंड नहीं होता है क्यों क्योंकि इसको अलग, अलग 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 प्रकार के डिपार्टमेंट एक साथ जुड़े हुए हैं दिस इज नॉट अंडर वन डिपार्टमेंट अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं इसके लिए महाराष्ट्र की बात अगर करने चाहेंगे तो आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में चार हजार तीन हजार पाँच हजार छ हजार छोटे मोटे वाटर के स्ट्रक्चर हैं आप समझ लीजिए बात को चार हजार पाँच हजार छः हजार वाटर स्ट्रक्चर एक डिस्ट्रिक्ट में है आप अगर उसको अंदर जाके देखेंगे तो कितने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं कुछ जिला परिषद के स्ट्रक्चर से कुछ तुम्हारे माइनर इरिगेशन के हैं कुछ एग्रीकल्चर के हैं कुछ फॉरेस्ट के हैं कुछ लघु पहाड़ बंदर विभाग के हैं ऐसे करके करके आठ डिपार्टमेंट को टच होता है तो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी कि नहीं आएगी एक डिस्ट्रिक्ट में पाँच हज़ार स्ट्रक्चर है और आठ डिपार्टमेंट है छः डिपार्टमेंट है तो एक स्ट्रक्चर यहाँ है और एक यहाँ है और डिपार्टमेंट अलग है तो वो उसके पर उसकी तरफ देखता नहीं वो इसकी तरफ देखता नहीं क्योंकि ओनरशिप अलग है तो इसमें चैलेंजेस जब सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी होती है स्कीम्स होती है इतनी ज़्यादा स्कीम्स है अटल भूजल योजना आपने नाम सुना होगा अमृत सरोवर योजना आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपने नाम सुना होगा जल जीवन मिशन आपने नाम सुझा सुना होगा जल जीवन अभियान आपने नाम सुना होगा स्वच्छ भारत योजना आपने नाम सुना होगा ऐसे टाइप के एग्रीकल्चर के वाटर के अंदर चार पांच डिपार्टमेंट हैं अभी अभी मोदी गवर्नमेंट ने वाटर के सभी डिपार्टमेंट एक जगह पर किए और एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया उसके पहले वाटर के कई डिपार्टमेंट थे उसके बाद प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट का ठीक है हमारे डिपार्टमेंट है हमारे डिपार्टमेंट का वाटर का काम है लेकिन काम कहाँ है गांव में है तालाब में है तालाब में काम है तो काम किसके साथ करना पड़ेगा पंचायत के साथ करना पड़ेगा तो पंचायत के साथ काम करना पड़ेगा तो कौन सा डिपार्टमेंट वापस सामने आएगा तो पंचायती राज डिपार्टमेंट सामने आएगा और काम अगर विलेज में कर रहे हैं और सभी विलेजेस में काम करना होगा तो ग्राम विकास डिपार्टमेंट सामने आता है और खेती का काम करना है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सामने आता है कुछ पशुओं का करना हो तो एनिमल हजबेंड्री सामने आता है ये सब के लिए पैसा लगता है इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट सामने आता है ठीक है ना मैं ये बोल रहा हूँ इस चक्र को समझना पड़ेगा लेकिन मैंने ये सोचा मेरा काम क्या है मेरा काम है तालाब से सिल्ट निकालना और खेत में डालना मेरा काम है पंचायत को प्रशिक्षण देना और पानी समिति को प्रशिक्षण देना मेरे काम लिमिटेड है मैंने मेरे काम को फिक्स किया पहले कि मैं क्या करना चाहता हूँ तो मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं रीजन्यूशन ऑफ़ वाटर बॉडी करना चाहता हूँ रीजन्यूएशन ऑफ वाटर बॉडी मतलब तालाबों का पुनरुज्जीवन करना चाहता हूँ पूरे कंट्री में तालाब का पुनर्जीवन करना है तो क्या करना पड़ेगा तालाब को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बराबर? है मशीन लाना है उधर डिसिल्टिंग करना है वो सिल्ट फार्मर के लैंड पे डालना है और किए हुए काम का मेजरमेंट करना है इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है मेरा काम का स्कोप इतना ही है आज मैं बाद में आगे बढ़ाने वाला हूँ बाद में आगे बढ़ाने वाला हूँ मैं शुरू एक काम से कर रहा हूँ मुझे दस स्टेप चढ़नी है मैं पहली स्टेप क्या है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ रीजूनशन ऑफ वाटर बॉडी और वो रीजूनियशन ऑफ वाटर बॉडी करने के लिए मुझे पंचायत जो है उस पंचायत को एम्पावर करना है और पानी समिति को एम्पावर करना है ये मेरा काम है आप मुझे बोलो इसका प्रोसेस हर गांव में एक ही होगा आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वाटर रिजोशन uh, ऑफ वाटर बॉडी करने के लिए जे के बजाय ट्रक तो नहीं लगा सकते वाटर बॉडी में काम करने के पहले आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा वो सिल्ट जो है वो सिल्ट हो सकता है कि एक अदी लैंड में खराब सिल्ट है एक अदी लैंड में अच्छा सिल्ट है लेकिन सिल्ट तो निकालना पड़ेगा अच्छा हो या बुरा हो प्रोसेस में कोई चेंज है क्या बोलो है क्या नहीं है।, नहीं है अभी मैंने उल्टा सोचा ये काम मैं कर रहा हूँ तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी स्कीम्स जो आपको बताए वो इधर आइडेंटिफाई करके लिए जल जीवन मिशन अटल भूजल योजना पी एम एस वाई के अमरुद सरोवर मैंने ये सारी स्कीम्स को पढ़ा इसमें किधर वाटर रिजनेशन बॉडी है क्या वो आइडेंटिफाई किया वो रहेंगी तो इसका मतलब हमारे साथ इसका मैरिज हो सकता इसमें रहेंगे तो हमारे साथ इसका मैरिज हो सकता है ये सब एक ही पकड़ रहा हूं मैं तो गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत अलग अलग प्रकार की होती है क्योंकि उनको उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से उसको देखना पड़ता है इसके लिए गवर्नमेंट डीप थॉट प्रोसेस करके स्कीम को बनाती है वो स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव जो प्रॉब्लम से जो समस्या है उसको डील करने के लिए योग्य होते हैं तो मेरा काम यह है कि इसको समझना है जो मैंने समझ लिया है आपके लिए इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये सब पढ़ो आप समझ लो मेरी बात हमने पढ़ लिया है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है जिसको बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट होगा वो पढ़ सकते हैं आपको पढ़ सकते हैं लेकिन जिसको बहुत डीप इंटरेस्ट नहीं है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है उसका जिस्ट लेके हम बाहर आ गए इस चीज़ में जो जो भी कुछ है हमारे लिए वो हमने तय कर लिया है इसके लिए कहने का मतलब ऐसा है कि जो समस्याएँ आपको बताई गई थी उसको डील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अपने तरीके से स्कीम बना रही है ये पहली बात हो गई अब वाटर ये जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का सब्जेक्ट है आप सब चीजें बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करो जो भी कोई स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ यहाँ समझो ये यह छत्तीसगढ़ है समझो ये महाराष्ट्र है ये स्टेट है हर राज्य सरकार अपनी तरफ से पानी के लिए किसानों के लिए खेती के लिए अच्छी योजनाएं अपने सरकार के माध्यम से अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकार अलग अलग टाइप की योजनाएं बनाती है राज्य सरकार तो इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार की भी योजना है और राज्य सरकार की भी योजना है महाराष्ट्र में जलयुक्त शिवार है गाढ़मुक्त धरण गाड़युक्त शिवार है पोखरा है ऐसी कई योजनाएँ हैं महाराष्ट्र में जिसमें एग्रीकल्चर और जल संधरण का काम किया जाता है आप कर्नाटका में जाएंगे तो जल संवर्धन नाम की स्कीम है। आप तमिलनाडु में जाएंगे अलग टाइप की स्कीम मिलेगी, मध्य प्रदेश में जाएंगे राजस्थान में जाएंगे गुजरात में जाएंगे अलग अलग टाइप की स्कीम मिलेगी स्कीम का नाम अलग होता है ऑब्जेक्टिव सब सेम होते हैं 19-20 का फर्क होता है प्रोसेस में विज़न में अचीवमेंट में टारगेट में इम्पैक्ट में बदल नहीं होते हैं नाम बदलते हैं तो नाम बदल सकते हैं नाम अपने अपने स्टेट के हो सकते हैं तो हर स्टेट में काम करते समय अगर हमको लिंकेज करना है तो हमने भले ही यहाँ से एम यू किए होंगे लेकिन जैसे महाराष्ट्र है तो हमने महाराष्ट्र के साथ महाराष्ट्र के स्कीम के साथ अलाइन करके इस स्कीम के साथ अलाइन करके एम किया तो आउटपुट दस गुना ज़्यादा आता है बात समझ में आ गई क्या हाँ तो हमको स्टेट का स्कीम समझना है सेंट्रल का स्कीम समझना है हमने सेंट्रल में क्या एम किए कैसे किए वो सब आपको बताने वाले हैं। मैं उसके अंदर अभी नहीं घुस रहा हूँ मैं स्टेट के अंदर भी अभी नहीं घुस रहा हूँ मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ जो स्क्रीन पर है कि जो समस्या पूरे विश्व में बताई जा रही है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या सोचते हैं और कैसा सोचते हैं मैं वो चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग टाइप के स्कीम्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट सोचती है ये स्कीम में उनके प्रोसेसेस है ये स्कीम में उनको एक एक दो दो डिपार्टमेंट अलग साथ में काम करने चाहिए तो दोनों डिपार्टमेंट की मिल के साथ में भी स्कीम डिक्लेयर होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से दोनों डिपार्टमेंट मिल के देखते हैं अलग अलग रोल होते हैं हम जो एम ओ किए हैं वो भी आपके सामने आएगा हमने दो डिपार्टमेंट के साथ एक ही एम किया है ट्राई पार्टी एट जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग रोल है तो कहने का मतलब ये है अभी इसमें कभी कभी समझो ये गवर्नमेंट बीजेपी की है यहाँ समझो छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट गौर्में कांग्रेस की है तो हमने तो छत्तीसगढ़ भी लिया है हमने तो तमिलनाडु भी लिया है हमारे प्रोग्रेस में हमने तो राजस्थान भी लिया है मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में से 50 परसेंट डिस्ट्रिक्ट बीजेपी के स्टेट में 50 परसेंट डिस्ट्रिक्ट नॉन बीजेपी स्टेट में प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड नो पॉलिटिक्स नो पॉलिटिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर तो हम लोग ये स्टेट में जाते हैं और इनको समझाते हैं कि भाई तुम्हारी स्कीम है ना तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना उसमें हम आपको सपोर्ट करते हैं उसके साथ साथ ये स्कीम भी आपके पास चल रही है उसके साथ साथ उसको भी सपोर्ट करते हैं इस तरीके से विन 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 सिचुएशन करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बनाती है स्टेट गवर्नमेंट स्कीम बनाती है और वाटर में इस देश में हजारों एन काम कर रही है मैं सैकड़ों नहीं बोल रहा हूँ हजारों एन काम कर रही है हज़ारों एन काम कर रही है वाटर में क्यों जैसे मैंने सवेरे आपको बताया हर एन को लगता है मैंने कुछ तो भी करना चाहिए लोगों के लिए गरीबों के लिए किसानों के लिए खेती के लिए पानी के लिए ये भावना हमारे देश का कल्चर अच्छा रहने की वजह से ये भावनाएं इंडिविजुअली लोगों के माइंड में आती हैं और वो काम भी करते हैं और वो अच्छा भी करते हैं आप समझने की कोशिश करो वो अच्छा भी करते हैं तो एक तरफ से केंद्र शासन स्कीम डिप्लॉय कर रहा है दूसरी तरफ से राज्य शासन टीम डिप्लॉय कर रहा है तो तीसरी तरफ से हजारों एनजीओ काम कर रही है तो ये जो कड़ी है ये कड़ी में एन जी ओ का वर्किंग स्टाइल कैसा होता है जब मैंने पानी में काम करना शुरू किया तो सबसे मैंने पहले डिसीजन लिया कि मैं तो पानी के फील्ड का आदमी नहीं मैं एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट नहीं मैं वाटर का एक्सपर्ट नहीं तो मैं क्या करूँ तो मुझे समझना पड़ेगा आप में से कुछ कुछ लोग जब आपके बायोडाटास मैंने देखे तो आपको पानी का एक्सपीरियंस नहीं है कुछ कुछ लोगों को एजुकेशन का है कुछ कुछ लोगों को एम एस डब्ल्यू करने की वजह से सोशल एक्टिविटी का है कुछ कोर एजुकेशन के आपके कुछ एम एस डब्ल्यू के हैं, और कुछ एक दो तीन परसेंट पाँच परसेंट सिर्फ वाटर के एक्सपीरियंस के हैं ये आपके बायोडाटा के एनालिसिस है जो मैंने किए हैं तो मैं कहना यह चाहता हूं कि एन के काम करने के तरीके कैसे कैसे होते हैं मैंने जब काम शुरू किया तब मैंने सोचा मैं ऐसा काम शुरू नहीं करता जब तक मैं पूरी चीज समझ नहीं लेता पूरी चीज मेरे दिमाग के अंदर घुसनी चाहिए तब मैं काम शुरू करूंगा नहीं तो नहीं करूँगा इसके लिए 2013 में मैंने ये डिसीजन लिया कि महाराष्ट्र में सूखा बहुत है तो मैं बीड़ डिस्ट्रिक्ट में पाटोदा तालुका के डोंगर किनी गाँव में एक स्कूल बनाई हुई थी मैंने उस स्कूल में जाके एक महीना उधर रुकने का निर्णय लिया मेरे साथ ऑफिस के जो यहाँ के लोग हैं जो मेरे सहयोगी मेरे साथ काम करते हैं उसमें से 20 लोगों को आइडेंटिफाई किया कि चलो मेरे साथ और हम लोग एक गांव में जाकर तीस दिन एक ही गांव में रहे और वहां से पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम घूमते थे डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर एक महीने में किसी ने पार नहीं की डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मैं था मैं समझना चाहता था पानी का इश्यू पानी का प्रॉब्लम गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स उस वक्त मैंने तालाब का डी किया तो तालाब देखा गांव में तालाब है क्या है सरपंच को पूछा हम डी करें क्या करो हमने मशीन लगाया हमने डीजल दिया हमने सिल्ट के लिए ट्रैक्टर लगाया ये सब काम हम लोग हमारे खर्चे से करते थे एक महीने में बीड़ जिले में 2013 में 117 तालाब का डिसिल्टिंग हुआ एक महीने में और मैं वहाँ जब गया तो मैंने सोचा कि मैं 25 तालाब करूँगा वापस मैं वही बोल रहा हूँ जो गुजरात में बताया था मैंने वहाँ प्रेस कटिंग है सभी 25 तालाब का डिसिल्टिंग करेंगे लेकिन 25 के 117 हो गए विद इन वन मंथ विद इन वन मंथ तो पूरा इकोनॉमिक्स मेरे समझ में आ गया ट्रैक्टर कहाँ से आते हैं? वो कितना पैसा कमाते रात को दो बजे तीन बजे चार बजे एक मिनट काम बंद नहीं होता है कैसे हम रात भर काम करवा के लेते कैसे ट्रैक्टर वाले रात भर काम करते क्यों रात भर काम करते हैं उनको क्या मिलता है किसको क्या मिलता है फार्मर को क्या मिलता है गवर्नमेंट की योजना कैसी होती है ये सब समझने के लिए हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया हमारा टाइम दिया हमने सब काम किया और पैसा भी दिया और ह्यूमन रिसोर्सेस भी दिए हर प्रकार का इन्वेस्टमेंट हमने वहाँ किया वो करने के बाद हमको थोड़ा थोड़ा पता चला कि ये काम कैसे होता है फिर धीरे 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 दो साल के बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को हमने अपील की कि हम मशीन देते आप डीजल दो क्योंकि सभी काम हम क्यों करेंगे अगर कोई केंद्र सरकार का एक लाख चालीस हजार करोड़ का बजट है तो वो बजट जिस काम के लिए है वो काम में यूज़ होना चाहिए हम एक लाख चालीस हजार करोड़ लाख के कहाँ खर्चा करेंगे और फिर उस पैसे का क्या होगा कोई भी खा लेगा ऐसा कैसा चलेगा तो धीरे धीरे मैंने गवर्नमेंट को अंदर खींचने की कोशिश की तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिर जी निकाला गाड़युक्त धरण गाय मुक्त युक्त शिवार फिर जलयुक्त शिवार में भी आधा डीज डीजल गवर्नमेंट ने देने की फिर ये गवर्नमेंट की पॉलिसी हमने चेंज की तो फिर 50 परसेंट उनसे आने लगा फिर हम फार्मर के पास जाने लगे ये सिल्ट का आपके लिए उपयोग है आपके आमदनी दुगुनी होने वाली है आप एक साल में तीन तीन क्रॉप लेने वाले हैं तो आप आपके खर्चे से लेके जाओ गवर्नमेंट डीजल अपने खर्चे से मशीन तक ला दे रहा है हम नहीं ले रहे पैसा नहीं ले रहे नो कॉम्पेंसेशन डीजल ला मशीन में दे रहा है फार्मर उसका ट्रैक्टर ला के सिल्ट लेके जा रहा है देखो केस कैसी है धीरे धीरे सब पहले हम करते थे फिर मशीन गवर्नमेंट मशीन हम डीजल गवर्नमेंट फार्मर फार्मर का कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया ये तो ये कंट्रीब्यूशन आ है तो ये कंट्रीब्यूशन कितना होता है उसका एक कैलकुलेशन अगर करने की कोशिश की आपने कि कितना होता है फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है अगर मैं ये कहूं कि ये प्रोग्राम है ये प्रोग्राम में 15 परसेंट फिफ्टीन परसेंट डीजल को लगता है फिफ्टीन परसेंट मशीन के भाड़े को लगता है और सेवेंटी परसेंट फार्मर जो सील लेके जाके उनका खर्चा होता है तो अपने फार्मर्स उनकी बंजर जमीन को उपजाऊ करने के लिए सेवेंटी परसेंट की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट में पैसा नहीं दे रहे पैसा नहीं ले रहे नो मनी ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट और हम पैसा नहीं दे रहे पैसा नहीं ले रहे डीजल दो हम मशीन देते देखो हम मशीन लाएंगे तो गवर्नमेंट डीजल देगा, हम मशीन नहीं लाएंगे तो डीजल नहीं देगा। गवर्नमेंट डीजल देगा तो मशीन चलेगा मशीन चलेगा तो सिल्ट आएगा नहीं तो सिल्ट नहीं आएगा ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन ईच अदर एक के ऊपर एक है तो ये मॉडल हमने डिजाइन किया और ये मॉडल डिजाइन करने के बाद धीरे धीरे इस मॉडल को डेवलप करके दो चार साल इसके ऊपर हमने बहुत काम किया उसके बाद में थर्ड लेवल अप मॉडल हमने ये किया कि ये भी गवर्नमेंट देंगी ये भी गवर्नमेंट देंगी और ये फार्मर देंगे और हम लोग पूरी प्रोग्राम मैनेजमेंट करेंगे अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग पानी समिति पंचायत फार्मर सिल्ट क्यों लेके जाने का डिमांड कैसे क्रिएट करने का लोग आगे कैसे आएंगे लोकसभा कैसा होगा जन आंदोलन कैसा क्रिएट होगा वो काम करने का शुरू किया क्यों क्योंकि पहले कुछ साल हम भारतीय जैन संगठन ये कर रही है भारतीय जैन संगठन वो कर रही है भारतीय जैन संगठन ये कर रही है ये एन का स्टाइल होता है मेरा नाम मेरा बोर्ड चार लोग भी पीछे नहीं रहेंगे लेकिन पहले बोर्ड हाथ में पकड़ेंगे और फोटो खींचेंगे हम भी वही करते सब लोग वही करते मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ लेकिन एन अपने नाम के लिए काम करती है कोई भी इंक्लूडिंग विजयस विजयस कुछ अलग नहीं है उसमें ही विजय है लेकिन मेरी अभी सोच ऐसी हो रही है कि हम एज एन कितना भी काम करेंगे तो ये देश के छह लाख गांव में पहुंचना और काम करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है अच्छा हम काम करेंगे हम तालाब डिसल्टिंग करेंगे उधर किसी ने भी एमबी रिकॉर्ड बना के दूसरा बिल बना के पैसा ले लिया तो क्या करेंगे तो इसका मतलब हम करप्शन को बढ़ावा देंगे क्या हम जो भी काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए उसका ई रिकॉर्ड होना चाहिए तो आगे चल के वो गवर्नमेंट का एक रिकॉर्ड बनता है तीसरी बात मैं ये सोचता हूँ गवर्नमेंट के पास पैसा है गवर्नमेंट पैसा डिप्लॉय कर रहा है सेंट्रल की भी स्कीम्स है स्टेट की भी स्कीम्स है लेकिन गवर्नमेंट को जन आंदोलन करना पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट को लास्ट माइल ऑफ बेनिफिशियरी को डायरेक्ट मिलके उनके साथ बातचीत करना पॉसिबल नहीं है वहां तक का काम गवर्नमेंट अच्छे तरीके से करती है लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज अ मिसिंग लिंक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इट मे बी एजुकेशन इट मे बी वाटर इट मे बी हेल्थ इट मे बी एनीथिंग अभी कोविड में हमने क्या काम किया वो मैं बताने के लिए टाइम नहीं है मैं बताऊंगा भी नहीं बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन कोविड में ह्यूज स्कीम्स गवर्नमेंट ने डिप्लॉय की थी एक भी रुपया किसी को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी हमने हमारा पोर्टल बनाकर वो स्कीम गांव तक पहुंचाने की कोशिश की हर गांव के लोगों को बताया स्क्रीन पर कि ये स्कीम है किसको भी कोविड हुआ तो चिंता मत करो एक रुपया खर्चा मत करो किसी को दवाइया चाहिए खर्चा मत करो किसी को प्रॉब्लम है ये मत करो वो मत करो आपको अनाज मिल रहा है ये आपको ये मिल रहा है वो मिल रहा है मैक्सिमम लोगों ने हमारे टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग लेके स्कीम्स का बेनिफिट लिया है इसका मतलब क्या इसका मतलब स्कीम अच्छी होती है उद्दिष्ट अच्छा होता है इसका मतलब यह है कि वो स्कीम का फायदा एंड वाले आदमी तक पहुंचने के लिए या पहुंचाने के लिए या उसका एक आंदोलन करने के लिए गैप है उस गैप को फिल करना बीजेएस का काम है तो हम लोगों ने 100 डिस्ट्रिक्स में एक गैप्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं आपको इवेंचुअली दो तीन दिन में वो सब गैप्स देखने को मिलेंगे समझने को मिलेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी गैप हम कैसे फील कर रहे हैं तो हम मशीन देंगे हम ट्रैक्टर देंगे हम डीजल देंगे उससे अच्छा गवर्नमेंट का करोड़ों थाउजेंड रुपीज का लाखों करोड़ रुपीज का पैसा अच्छे तरीके से गांव तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे तो हमारा काम पचास गुना होगा हमारा काम सिस्टम में इंटीग्रेट होगा हम एम्पावर करेंगे गांव के सरपंच को कि तुमने किस तरीके से अपने गांव की सभी स्कीम्स को कंप्यूटर में फीड करना है और तू कंप्यूटर में फीड करेगा तो तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट पैसा मिलेगा जब ये बात उसको पता चलेगी जब ये उसके लाइट खुलेगी नींद में से उठेगा ऐसे गांव के चार पांच लोग सिर्फ अगर नींद में से उठते हैं तो वो काम पक्का होता है वो काम उसने किया तो उसके सब फंड्स उसको रूरल एरिया में गांव में पंचायत में आएंगे तो वो चीज़ को हमें करना है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी को जो डॉट्स है उन डॉट्स को कनेक्ट करना है उस गैप को फिल करना है वो काम हमको करना है तो वो काम करने के एंगल से कहने का मतलब यह है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स काफ़ी है स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स काफ़ी है एनजीओस काफ़ी काम कर रही है अभी मैं धीरे धीरे एन को अपने काम में खींच रहा हूँ कोविड में मैंने कर्नाटका के 25 एन को हमारे साथ खींचा अभी पानी में कंट्री भर में हम काम करने वाले हैं तो दिल्ली में प्रदान करके एक एन है। आप लोग सब लोग ढूंढो जाओ देखो उसको बहुत अच्छा काम कर रही है इम्पैक्ट का काम करती है सभी इंडिया के रिटायर्ड आई ऑफिसर्स उसमें हैं और रूट लेवल पर काम करते हैं तो प्रधान को मैंने बुलाया बुलढ़ाना में देखा यहाँ आए मीटिंग्स हुई फिर काफ़ी सारे हमारे साथ में मीटिंग्स हुए ये जल जीवन मिशन का हमारा हंड्रेड डिस्ट्रिक्ट का एम आई बताया उनकी पूरी बोर्ड के सामने मेरा प्रेजेंटेशन हुआ और हम लोगों ने एम साइन किया है कि ये प्रोग्राम वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्स में इम्प्लीमेंट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में इम्प्लीमेंट करेंगे हम अकेले तो नहीं कर सकते ना दुनिया का काम तो एन को मैं ला रहा हूँ धीरे धीरे और एन को ये कह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट है गवर्नमेंट की स्कीम्स चाहे वो गवर्नमेंट कोई भी रहने दो हमारा लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो स्कीम नीचे तक बेनिफिट जाना चाहिए वो पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना रिवोल्ट करना नहीं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना नहीं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को क्रिटिसाइज करना नहीं सभी ऑफिसर सरीके नहीं होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सूत्र है कि एक भी तालुका कोऑर्डिनेटर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर गवर्नमेंट के कोई भी आदमी से बहस नहीं करेगा अगर अपना कुछ थोड़ा बहुत वो सुनता भी नहीं होगा तो दुर्लक्ष करो आज नहीं सुनता होगा शायद उसका मूड ठीक नहीं होगा झंझट हुआ होगा घर में ने डांटा होगा बच्चों को एडमिशन नहीं मिली होंगी कुछ भी हुआ होगा आज नहीं तो कल वो आपके साथ आएगा ही आएगा क्योंकि आप प्रंजल आपका माइंड है क्योंकि आप उसको सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं पेशेंस रखो आज नहीं आएगा तो कल आएगा परसों आएगा एक महीने के बाद आएगा धीरे धीरे काम करो लोगों का काम जीत के लोगों को जोड़ के हमको आगे बढ़ना है रिवोल्ट करके नहीं तुम गवर्नमेंट ऑफिसर है तुम यह नहीं कर रहे हम यह कर रहे तुम्हारा काम हम कर रहे हैं तुमको समझता नहीं है नो no. जैसे सब अजय सर ने बोला डूज डोंट हम बताने वाले हैं मैं वो सेशन नहीं ले रहा हूं सर सॉरी सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो हम काफी सारे एनजीओ को भी इसमें जोड़ने वाले हैं आगे चल के ये गवर्नमेंट की जो क्राइसिस है उसको डील करने के लिए गवर्नमेंट की सेंट्रल की स्टेट की योजनाएं है फिर एनजीओ है वो सबके साथ मिलकर ज्ञाप आइडेंटिफाई कर कर गवर्नमेंट स्कीम जो अच्छे उद्दिष्ट से बनाई गई है वो लास्ट माइल तक किस तरीके से पहुंचाना, ये हमें गवर्नमेंट की स्कीम के साथ हमारा जर्नी आगे करना है स्कीम के साथ साथ चलना है प्रोसेस के साथ साथ चलना है प्रोसेस बना के चलना है एस के साथ चलना है टारगेट के साथ चलना है एविडेंसेस के साथ चलना है ऐसा हम आगे का काम करने वाले हैं तो इस तरीके से ये सारी स्कीम्स उस संकट का सामना करने के लिए सरकार बना रही है जिसकी गैप्स को आइडेंटिफाई करके हम आगे बढ़ने वाले हैं एनी क्वेश्चन बाकी जगह पर अच्छी सुविध नहीं होती डिसिल्टिंग के समय अगर ऐसी सुविध आ जाए तो किसान का मतलब उसका वो किसान नहीं लेके जाएगा तो क्या करेगा सिल्ट सिल्ट अच्छी हो या बुरी हो आपको जब ट्रेनिंग दिया जा रहा है उस ट्रेनिंग में डिसिल्टिंग करने की प्रोसेस के वीडियोस बनाए हुए हैं उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स बताए गए हैं स्ट्रक्चर से कितना डिस्टेंस छोड़ के काम करना चाहिए उसका कैलकुलेशन दिया हुआ है तो यू डोंट वरी अबाउट दैट फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑडियो विजुअल बनाए हुए हैं जो आपको ईजीली गांव के लोगों को बता के कन्विंस करते आएगा डॉक्यूमेंट भी है वीडियोस भी है

सेंट्रल के साथ बीजेएस के हेड ऑफिस ने एम ओ किया क्यों किया क्योंकि स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलीज हो रहा है इसके लिए उनके साथ प्राइम एम उनके साथ करना जरूरी है इसके लिए भारतीय जैन संगठन के हेड ऑफिस ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एम किया जैसे मैंने बताया स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग कारोबार चलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी तो एक आधा स्टेट बोलेगा नहीं मेरे को नहीं करने का या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को हंड्रेड डिस्ट्रिक्ट का ई एम ओ किया और आप कलेक्टर के पास गए कोई भी स्टेट के तो वो कलेक्टर बोलेगा देखो भाई मैं तो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ आपको मेरे को स्टेट गवर्नमेंट का कोई एडवाइजरी बताओ स्टेट गवर्नमेंट से मेरे को एकाधा लेटर ला दो तो मैं आपके साथ काम करूँगा क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट का इंप्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश वो नहीं मानेगा इसलिए जहां जहां ज्यादा डिस्ट्रिक्स है वहां स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमने एम ओ करने का डिसीजन लिया तो हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्यों एम कर रहे हैं काफी सारे स्कीम्स में सेंट्रल गवर्नमेंट 60 परसेंट पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भेजती है और स्टेट गवर्नमेंट फोर्टी परसेंट पैसा डालती है और फिर स्कीम डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करती है तो स्टेट का भी तो कंसेंट होना जरूरी है उनका भी स्टेक है उनका भी पैसा है दूसरी बात जो अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज होते हैं भाई उनका जो भी होगा वो होगा आप तो हमारे साथ एम करो हम आपके लिए काम कर रहे हैं स्टेट का एम हो यू तो डिस्ट्रिक्ट का एम ओ इज़ अ फॉर्मेलिटीज तो फिर डिस्ट्रिक्ट का क्यों करते हैं स्टेट का हुआ तो डिस्ट्रिक्ट का क्यों करते डिस्ट्रिक्ट का इसलिए करते हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करने का है उस डिस्ट्रिक्ट के साथ एम अगर हुआ तो उस डिस्ट्रिक्ट का नोडल ऑफिसर फिक्स होता है भारतीय जैन संगठन के जो कार्यकर्ता है जो एम्प्लॉय नहीं है कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता कलेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं एम एल को इन्फ्लुएंस करते हैं वो वहाँ के व्यापारी हैं उनको अगर ठीक ढंग से बताया तो वो कलेक्टर के साथ बातचीत करके ये ओ करेंगे और जो भी कुछ डिफिकल्टी रहेंगी वो कलेक्टर अगर उनको बोलते हैं तो वो आप लोगों के माध्यम से या हमारे माध्यम से उस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करेंगे एक दूसरा मेरे कार्यकर्ता अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का एम करेंगे तो उनको ओनरशिप आएंगी मैंने एम किया मेरे जिले के लिए किया है वो दौड़ेगा वो काम करेगा ऊपर से एमओ किया तो आपका ये आप काम कर रहे हो मेरे को क्यों उसमें ले रहे हो बीच में मेरे को उसका ओनरशिप लेके आना है उसको खींचना है यह प्रवाह है यह आंदोलन है आंदोलन में आपको मैक्सिमम लोगों को अंदर लेना पड़ेगा तो मैं लोकल कार्यकर्ताओं को अंदर लेने के लिए उनको ओनरशिप देने के लिए मैं ये काम कर